हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम देखेंगे कैलीटूल 4mm स्टेंसिल को कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑलवेज रिकमेंड टू यूज 0.5mm मैकेनिकल पेंसिल टू ड्रॉ लाइंस बाय यूजिंग कैलीटूल स्टेंसिल। सो दिस इज 4mm स्टेंसिल। इट हैज 7 डिग्री स्लैंट, 55 डिग्री स्लैंट, 52 डिग्री स्लैंट, 45 डिग्री स्लैंट एंड 40 डिग्री स्लैंट, ओके, एंड 4mm लेटर हाइट और लाइन हाइट। सो यहाँ पे अपसाइड हम ये 0.5mm मैकेनिकल पेंसिल यूज करके जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो होगी 4mm। कैन सी दिस। सो ये जो दो लाइन है वो के बीच का जो स्पेस है, दिस इज 4mm एंड दिस इज 8mm, ओके। इसके अलावा ये स्टेंसिल में जो 5 डिफरेंट एंगल्स दिए गए हैं उसका यूज कैसे करते हैं। सो हमने पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर ली, उसके बाद वही लेवल पे ये स्टेंसिल हमें सेट करना है। एंड इफ़ वी वांट टू ड्रॉ अ लाइन, जैसे हमें समझ लो 55 डिग्री एंगल बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो एंगल है इसके अंदर डॉट रख देंगे, यहाँ पे सेम वैसे यहाँ पे भी। अब स्टेंसिल हटा देंगे। अब ये जो दो डॉट है उसके ऊपर हम ये स्टेंसिल सेट करते हैं लाइक दिस। अब हम जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे वो हमारी होगी 55 डिग्री एंगल पे। सो दिस इज 55 डिग्री एंगल लाइन। अगर हमें 7 डिग्री स्लैंट एंगल लेना है, जैसे इटालिक स्क्रिप्ट का जो एंगल है वो 7 डिग्री है स्लैंट एंगल, तो हम यहाँ पे सिम वही टेक्निक से डॉट रख देंगे एंड देन उस पर ये स्टेंसिल सेट करते हुए वी कैन ड्रॉ लाइंस। सो ये जो स्लैंट एंगल हुआ दिस इज 7 डिग्री स्लैंट। इसी तरह से हम ये बाकी जो एंगल्स मेंशन किए हैं वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे 7 डिग्री है, 55, 52, 45 एंड 40 डिग्री। ओके, सो दिस इज कैलीटूल 4mm स्टेंसिल यूज। डू नॉट फॉरगेट टू यूज 0.5mm मैकेनिकल पेंसिल फॉर दिस। Thank you very much.